बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा फाजिल, बड़े से बड़ा माहिर बैठ जाए, कुरान को पढ़ ले, एक लफ्ज़ भी उसको खिलाफ तरीक़ा या खिलाफ ज़बान नहीं मिलेगा, एक लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। यही कुरान करीम का मौजज़ा है। जो कुरान करीम की आयत पाक मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह अल कहफ की आयत, 15वें पारी की आयत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब उतारी, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसने अपने बंदे यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब यानी कुरान करीम को नाजिल फरमाया। वलम यजअल लहू इवजा, और इसके अंदर कहीं भी कोई कजी नहीं है, टेढ़ नहीं है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर, न इसके मज़मून में कमी है, न इसके अल्फाज में कमी है, न इसके मानी में कमी है। जिस पहलू से भी अगर आप कुरान को पढ़ें और देखें तो इसमें आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था, आपको मालूम है अरब के ऊपर नाजिल हो रहा था, जिनकी मादरी ज़बान अरबी है, कुरान उनके ऊपर नाजिल हुआ। कुरान की ज़बान भी अरबी है, जिन पर नाजिल हो रहा था उनकी ज़बान भी अरबी है। और उस ज़माने के जो बड़े बड़े शायर थे और बहुत अच्छे ज़बान के जानने वाले थे, अरबी ज़बान के जानने वाले थे, बड़े बड़े कलाम लिखा करते थे, बड़े बड़े कसीदे लिखा करते थे, तो माहिर जो थे ज़बान के, उनके सामने कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान को जब नाजिल हुआ तो वो लोग कह सकते थे ना कि इसके अंदर तो ये कमी है, ये कमी है, कह सकते थे, क्योंकि वो उस ज़माने में बहुत माहिर लोग थे। और जिस वक्त में कुरान करीम नाजिल हुआ उस वक्त में शायरों का बहुत दबदबा था। जो शायर कवि जो शायर होते थे उनका दबदबा बहुत था, और उन्होंने अरबी के कसीदे लिख रखे थे जो काबतुल्लाह शरीफ की दीवार पर लटकाए जाते थे। जब कोई शायर या कवि कोई कलाम कहता था और वो सबके अंदर बढ़िया होता था तो उसको काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर लटका देते थे कि ये सबसे अच्छा है। अगर किसी को जलील करना होता था तो शायरों की ज़बानी उसकी मजम्मत करा दिया करते थे। उस ज़माने में शेर शायरी का दौर था, और जब किसी की तारीफ़ करनी होती थी तो वो शायरों की खुशामद करता था, शायर उनकी तारीफ़ कर दिया करता था। आजकल का ज़माना तो अलग है, आप टेलीविज़न पे इश्तहार दे दीजिए, अखबार में इश्तहार दे दीजिए, बैनर लगा दीजिए, आज के ज़माने का तो ये तरीक़ा है। उस ज़माने का तरीक़ा ये था कि किसी भी अच्छे शायर को आप पैसे दे दो, भाई हमारे ख़ानदान की तारीफ़ कर दो, वो ख़ानदान की तारीफ़ कर देगा और सारी जगह मशहूर हो जाएगी। तो उस ज़माने के अंदर ना अरबी शायरी, अरबी ज़बान का ज़ोर था, दबदबा था। और अरब का मतलब यह है कि वो अपनी ज़बान से, अपने बोलचाल से अपने बातों को ज़्यादा अच्छी तरह ज़ाहिर कर सकते थे। अरब के अलावा जो लोग थे उनको वो कहते थे अजम, कि भाई इन्हें तो बोलना भी नहीं आता, गूंगे लोग हैं ये तो। अरब और अजम, तो उसी पस मंज़र में
उसी पस मंज़र में क़ुरान करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने जो अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अपनी किताब यानी क़ुरान शरीफ नाजिल फरमाया है उसके अंदर तुम्हें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। यह अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। तो जब कुरान नाजिल हुआ तो वो सारे के सारे जो बड़े बड़े फनकार थे ना, मान गए कि वाकई ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इंसान का कलाम होता तो हम तो उससे अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छा लिखने वाले हैं। हम तो सारे मक्के वालों को जानते हैं, सारे अरब को जानते हैं, सारे शायरों को जानते हैं। ये इंसान का कलाम नहीं है, उन्होंने माना। तो अल्लाह ताला ने वही फरमाया कि किसी भी पहलू से आप देख लें कुरान शरीफ के अंदर आपको कहीं पर कमी नज़र नहीं आएगी। 300 पारे पढ़ जाओ, 6666 आयतें कुरान करीम की सारी पढ़ जाओ, बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा फाजिल, बड़े से बड़ा माहिर बैठ जाए कुरान को पढ़ ले, एक लफ्ज़ भी उसको खिलाफ़े तरीक़ा या खिलाफ़े ज़बान नहीं मिलेगा, एक लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। यही कुरान करीम का मौजज़ा है कि कुरान जब नाजिल हुआ तो सारे के सारे मान गए कि वाकई अल्लाह का कलाम है, बंदे का कलाम नहीं है। और फरमाया क़य्यमन, ये इंसाफ वाली किताब है, लियुन्ज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु, जो अल्लाह के अज़ाब से डराती है। वयुबश्शिरुल मोमिनीन अल्लज़ीन यअमलून अस्सालिहात, और ये कुरान खुशखबरी सुनाता है ईमान वालों को जो नेक अमल करते हैं, जो नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी सुना रहा है, जो गुनाह करते हैं, कुफर कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, उनके लिए अजाब बता रहा है। अन्न लहुम अजरन हसनन, अल्लाह ताला ने नेक अमल करने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन अजर तैयार किया है, बेहतरीन अजर। मा किसी न फी है अबदन, हमेशा उसी में रहेंगे। वयुन्ज़िरल्लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये डराता है उन लोगों को जो ये कहते हैं कि अल्लाह की कोई औलाद है।